लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य को कांग्रेस सरकार ने कर्ज में डुबा दिया है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। वहीं मंच पर सीएम भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन थे, जहां ब्रजमोहन ने कहा है कि पूरे राज्य में मंदी का दौर है। मुख्यमंत्री जी, अब चुनाव समाप्त हो गया है, अब हमें विकास करना है, अब राजनीतिक बातें नहीं विकास की बात होगी, ब्रजमोहन ने ऐसा कहने पर मंच से ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वही मामले में ब्रजमोहन अग्रवाल हैं और उन्होंने काफी कुछ इस पर कहा। वरिष्ठ विधायक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। सर, कि बीजेपी बार बार सवाल उठा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कर्ज में लगते हैं, क्या किस तरह का? देखिए, ये इस सरकार ने पिछले चार महीनों में ही, पांच महीनों में ही 11,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले लिया है। आज सरकार के विकास के काम पूरी तरह अवरुद्ध है। कोई जो ऑन गोइंग नए काम शुरू नहीं हो ये तो समझ में आता है, परंतु पुराने काम जो ऑन गोइंग काम है उनके पेमेंट नहीं हो रहे, और वो पेमेंट नहीं होने के कारण वो सब काम बंद हैं और बाजार में उसके कारण पैसा नहीं आ रहा है। किसानों का कर्जा माफ किया है, परंतु कर्जा माफ का सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण उनको नया कर्ज नहीं मिल रहा है, इसलिए वो आने जो खेती बाड़ी की तैयारी करना है वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार के पास में कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, जिससे कि आज चारों तरफ आप देखेंगे बिजली का हाहाकार है कि बिजली कटौती कितनी ज्यादा बढ़ गई है, आज लोग परेशान हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर हो गई है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को लेकर निश्चित रूप से सरकार को गंभीर होना चाहिए और गंभीर होकर छत्तीसगढ़ के हित में काम करना।